मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर हेलीकॉप्टर से उतरे। उन्हीं के सामने 3 लड़ाकू विमान भी पहुंचे। सीएम जायजा लेते रहे तब तक प्लेन आसमान में कलाबाजियां खाते रहे। इस दौरान लोगों ने दूर से इस अद्भुत नजारे का आनंद लिया। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अरवल कीरी करवत गांव में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए गए पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्रा समेत अन्य अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें चारों विधानसभा के भाजपा विधायक मौजूद थे। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान करीब 30 लड़ाकू विमान आसमान में करतब दिखाएंगे। यह एयर शो आकर्षण का केंद्र रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस जगह का स्थलीय निरीक्षण किया और कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को प्रधानमंत्री के हाथों होने जा रहा है। साल 2018 में इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री ने ही किया था। कोरोना महामारी के बावजूद ये एक्सप्रेसवे 19 महीनों में तेजी से पूरा हुआ। प्रधानमंत्री के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने इसे ध्यान में रखकर तैयार किया है। उन्होंने आगे कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले महीने में पूरा कर लेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश को इससे जोड़ने में सहायता मिलेगी और लोगों में उत्साह है। 16 तारीख को प्रधानमंत्री के लोकार्पण के बाद एक एयर शो भी होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने यहाँ 3.5 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप बनाया है। आज़ादी के बाद पूर्वांचल उपेक्षित था, अब इस एक्सप्रेसवे से विकास को रफ्तार मिलेगी। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया गया है, इसमें हम लोग वर्तमान में कुछ एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस महीने पूरा हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले महीने बनकर के पूरा हो जाएगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे और युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे तथा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर हमारी कार्रवाई आगे हो रही है। अब यूपी जाना जाएगा, स्वाभाविक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की दिशा से इस एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आज मैंने इसकी समीक्षा की है यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों प्रशासन और कार्यदायी संस्था के साथ बैठ करके 16 तारीख का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये ट्रायल कल से शुरू होगा और 16 नवंबर तक चलेगा। एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के लिए एयरफोर्स के 5 बड़े एयरबेस से करीब 30 लड़ाकू विमान यहां पर उड़ान भरने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी यहाँ आने की खबर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 5 साल पहले शुरू हुआ था। इस एयर स्ट्रिप के बनने के बाद एक्सप्रेसवे पर 3-3 एयर स्ट्रिप वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश की राजधानी दिल्ली को मथुरा, आगरा, लखनऊ, आजमगढ़ के रास्ते सीधे गाजीपुर से जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे पर बनी ये एयर स्ट्रिप करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है। एयर स्ट्रिप के दोनों किनारों पर 15-15 मीटर के बॉर्डर बनाए गए हैं। एयर स्ट्रिप के दोनों किनारों पर सर्विस लेन भी बनाई गई है। सुल्तानपुर से Now44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज